अभी हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो पिछले सालों के बैंक एग्जाम्स में पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन पर। तो आइए ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज दिस। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? तो x बाय y ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा। अभी उन्होंने कहा है कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200%, यानी x प्लस 2x, न्यूमरेटर डबल हो चुका है और उसे इट्स इंक्रीज्ड बाय डबल ऑफ इट्स वैल्यू। एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, यानी y प्लस 1.5y, 150%। तो द रिजल्टेंट इज 7/10। तो अभी इसे सॉल्व करें, x प्लस 2x क्या होगा? 3x by 2.5y is equal to 7/10. x by y is equal to 7/10 times 2.5 by 3. 2.5 कितने बार जाएगा? 4 times. So which is 7/12. Therefore, the original fraction, which is x by y, is 7/12. ये आंसर सही है। What will come in place of the question mark in the following question? तो हमारे पास ये है। इसे हम टू जितना सिंप्लीफाई हो सका उतना सिंप्लीफाई करेंगे पहले सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पर टू का दिस इज 2^4, तो 16 को हम 2/4 लिख लेंगे पर 7.5 ये वाला डिवाइडेड बाय 8 को 2³ लिख लेंगे, 2³/3.5 डिवाइडेड बाय 2^7.5। ओके, तो अभी ये मैंने आपको बताया था, अगर आप ऐसे इक्वेशंस सॉल्व करना चाह रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस, तो कुछ ट्रिक्स लगाने होंगे, कुछ फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूले याद करने होंगे। a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m n। ओके, तो अभी ये वही फॉर्म में है, ये a है, ये हमारा m है और ये n है। तो ये क्या हो जाएगा? 2^7.5 टाइम्स 4, 30, 2^30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2^3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 3 3 9, 10, 10.5 डिवाइडेड बाय 2^7.5। अच्छा, अभी और एक फॉर्मूला होगा यहाँ पर अप्लाई, a पावर m बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ओके, तो हमें ये डिवीजन साइन को कन्वर्ट करके, अभी देखें a a a हमारा a हमने सेम कर दिया है विच इज 2, तो अभी ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें, तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2^30 माइनस 10.5 माइनस 7.5, क्योंकि ये दो बार भी डिवीजन है। तो इसे इस तरीके से लिख लीजिए, 2^30 माइनस ये कितना होगा, 18, 10.5 प्लस 7.5 वुड बी 18, तो 2^12। दिस इज अवर नंबर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। 2^12 हमारे पास है नहीं, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2^12 को हम कोई और तरीके से लिख सकते हैं, 2³/4, 12 को मैंने 3 टाइम्स 4 लिख दिया है एंड 2³ इज 8 8/4, तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। अगेन ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलेस याद करने जरूरी है। a पावर c टाइम्स b पावर a टाइम्स व्हाट इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर 0 तब तक नहीं होता जब तक कि उसे जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जीरो आंसर आएगा। क्यूब रूट ऑफ 250047 प्लस 56 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपको क्यूब रूट फाइंड करने में या स्क्वायर रूट फाइंड करने में दिक्कत हो रही है,
तो देखिए लॉजिक अप्लाई करके देखिए, यहाँ पर कुछ एलिमिनेशन मेथड यूज हो सकता है, या आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कुछ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना जरूरी है, हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना जरूरी है, और वो दोनों को ऐड करके उसे 7 से डिवाइड करना भी जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लास्ट के लिए छोड़ दें, जब आपके पास टाइम रहा तब वापस आके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो सही होगा, वरना अगर आपको ये क्यूब रूट एंड ऑल फाइंड करने में आसानी है तो अभी कर लीजिए, जब भी आपको टाइम मिल रहा है तभी कर लीजिए। चलिए 250047 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर, पहले लेट्स मल्टी डिवाइड दिस बाय 9। 9 3 9 2 18 5, मतलब 7 आएगा यहाँ पर। 9 7 63, 7 9 7 63, अगेन यहाँ पर 7 आएगा। 9 8 72, 2 9 3 27। ओके, अभी ये नंबर भी 9 से डिवाइड करके देखिए, 9 3 27 0, 9 8 72 6, 9 क्या हो गया यहाँ पर, 9 7 63, 3087। ये नंबर भी 9 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 3 27, यहाँ पर 3 आएगा, 9 4 36, 3 343। अभी 343 है, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, वो डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए आप। तो 7 7 से करते हैं, 7 4 28, 6 7 9, 49 is 7 स्क्वेयर। तो हमें कुछ मिला है यहाँ पर, 250047 is equal to 999 times 777। ओके, तो अभी आसानी होगी, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो देखिए 33, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9 क्यूब टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब। तो इसका क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, 9 7 63, देयरफॉर इसका क्यूब रूट इज 63, हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। अभी नेक्स्ट 56 स्क्वेयर करना है हमें, 56 टाइम्स 56, 66 36, 6 5 30 33, 5 6 30, 5 5 25 28, तो ये हो जाएगा 11 3 1 3 6। तो अभी देखिए हमारे पास है 63 + 3 1 3 6 डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइडेड बाय 7। तो 3 1 3 6 + 63 क्या होगा, 9 9 1 3, तो 3 1 9 9 को 7 से डिवाइड करिए, 7 4 28, 3 बचेगा यहाँ पर, ओके 7 5 35, 4 बचेगा, 7 7 49, 457 इज अ राइट आंसर। इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें आया है 457। यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा सही आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ 529 टाइम्स 36 डिवाइडेड बाय 48 टाइम्स व्हाट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो हमें ये क्वेश्चन मार्क पता करना है, स्क्वेयर रूट ऑफ 529 क्या होगा, 25 स्क्वेयर इज 625, तो इससे कम, 25 स्क्वेयर से कम होगा ये। तो देखते हैं 23 स्क्वेयर, 23 टाइम्स 23, क्योंकि यहाँ पर 9 है इसलिए मैंने 23 चूज किया है, 23 times 36
डिवाइडेड बाय 48 टाइम्स एक्स रख लेते हैं। तो अभी ये मल्टीप्लाई करें या 23 टाइम्स 36 डिवाइडेड बाय 48 लिख लें इसे टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 5847.75। ओके 12 थ्रीस 12 फोर 23 टाइम्स 3 क्या होगा 3 3 is 9 3 2 6 69x is equal to 5847.75 multiplied by 4। ओके तो अभी इसे ये निकाल कर यहां पर 100 लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू होगी 5847.75 टाइम्स 4 बाय 69 टाइम्स 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिए सही आंसर होगा। तो अभी सॉल्व करते हैं 4 25 25 इससे डिविजिबल है क्योंकि ये देखिए लास्ट के टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 25। तो 25 टू 50 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 8 तो 25 3 75 84 माइनस 75 9 आएगा। देन अगेन 3 75 तो 97 माइनस 75 क्या होगा 22। तो हमारे पास है 227 25 टाइम्स 9 मे बी 9 5 45 9 2 18 19 20 22 225 so 25 times 9 is 225 हमारे पास बचा 2 1। okay अभी 69 से देखते हैं 69 okay तो हमारे पास आया है x is equal to 23391 divided by 69। अभी इसे कैसे करेंगे आप चाहे तो डिवाइड करें या फिर आप ऑप्शंस ले लें। ओके ऑप्शंस लेके उससे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे 69 टाइम्स फर्स्ट ऑप्शन जो भी है 346 346 अगर आपको ये आंसर आता है 23391 तब वो ऑप्शन सही है या नहीं तो इससे मल्टीप्लाई करें जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। अगर चारों से मल्टीप्लाई करना हो सकता है वो ऑप्शन डी हो या नन ऑफ दीस हो तो उतना मल्टीप्लिकेशन करना उतना आसान नहीं होता एग्जाम में बट अगर वो कन्वीनियंट है आपके लिए वो कर लीजिए या फिर डिवाइड कर लीजिए सही से। इसका करेक्ट आंसर होगा 339। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं 16% of 480 plus what percent of 978 is equal to 653? Okay, 16% of 480 yani 16 by 100 times 480 plus x by 100 times 978 is equal to 653.82। तो हमें x की value find out करनी है यहाँ। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। 28 यानी तो इसे ऐसे ही रखते हैं 16 ही रखते हैं। तो 16 टाइम्स 48 48 टाइम्स 16 क्या होगा 68 48 24 28 188 144 86 17 768 by 10 क्या होगा 76.8। x by 100 times 978 is equal to 653.82 minus ये value हम यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 76.8। okay तो इसका answer क्या आएगा हमें 653.82 minus 76.80 तो 2041 6751 75 577.02
इसका वैल्यू है 577.02। अभी इसे x इज इक्वल टू, ये 100 यहाँ जाएगा तो होगा 577.02 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 978। ओके, तो ये पॉइंट निकल जाएगा, ये 100 निकल जाएगा। 978 डिवाइडेड बाय 577.02 डिवाइडेड बाय 978। तो अभी देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 577.02 बाय 978 देखिए, तो इसे डिवाइड करने के बदले मैं क्या करूँगी कि x को इसमें ए बी सी डी ऑप्शंस लगाकर देखूंगी कि क्या जवाब है। ओके, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, बट मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ। तो हमारे पास है 978 टाइम्स x इज इक्वल टू 577.02। मैं बस यूनिट डिजिट पे अभी फोकस करूंगी। 8 टाइम्स व्हाट, तो x के यूनिट डिजिट में ऐसा क्या आना चाहिए जिससे हमें उसके आंसर के यूनिट डिजिट में 2 आए। तो 8 टाइम्स 1 इज नॉट 2, 8 टाइम्स 2 इज 16, तो उसके यूनिट डिजिट में 6 आएगा, नॉट 2। फिर 8 3 24, 8 4 इज 28। ओके, 8 टाइम्स 4 इज 32, तो यस उसके चांसेस है कि यूनिट डिजिट में 2 आए। बट हमारे पास देखिए यहाँ पर 4 कहीं पर भी नहीं है। ओके, और देखते हैं, या फिर इसी में लगा लीजिए, 8 टाइम्स 8 क्या होगा, 64 होगा, तो 4 आएगा यूनिट डिजिट में, नॉट 2, तो दिस ऑप्शन इज रूल्ड आउट। 8 टाइम्स 7 क्या होगा, 56, ये ऑप्शन भी रूल्ड आउट है। 8 टाइम्स 1 8, 8 टाइम्स 3 24, तो none of these is the right answer। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि इसे डिवाइड करने के बजाय मैंने बस थोड़ा सा ट्रिक लगाया, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं किया, बस यूनिट्स प्लेस को फाइंड आउट करने की कोशिश की। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 2/3 ऑफ अ नंबर, नंबर x ले लें इसके बीच में, और द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ द सेम नंबर x, the difference is 288, then what is the number, what is the number x। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2, तो 2/5 x माइनस x बाय 10 इज इक्वल टू 288। x ले ले, 2/5 माइनस x बाय 10 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 288। इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो x by 10 हो जाएगा, 4 minus 1 3 is equal to 288। okay, 3 से ये cancel होगा क्योंकि sum of digits is divisible by 3, तो 3 8 3 9 27, यहाँ पर 1 आएगा, 3 6 18, therefore x is equal to 96 times 10 which is 960, option A। by how much is 3/4 of 52 lesser than 2/3 of 99? Okay, यानी हमें इससे ये सब्ट्रैक करना होगा और जो भी नंबर आया वो हमारा आंसर है। तो 3 टाइम्स 33, 4 वंस 4, 4 थ्रीस, तो 33 टाइम्स 2 66 माइनस ये नंबर क्या होगा, 39। तो 66 माइनस 39 क्या होगा, 5 1 7 2, 27, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क की तरह दूंगी, अगले वीडियो में मैं इसे सॉल्व करूंगी, बट ये वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मेट में है जो हमने इस वीडियो के सबसे बिगनिंग में किया था। तो आप वो क्वेश्चन फिर देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और कमेंट करिए कि आपको कहाँ दिक्कत आई, आपको जवाब क्या आया। मिलते हैं अगले वीडियो में।